आ रही हैं जो कातिक भी नहाती हैं। क्या नाम है, रुक जाइए। करिश्मा। कहाँ से हैं करिश्मा? लोहारी से। लोहारी से कातिक नहाती हैं? हाँ। नहाती हैं? नहाते हैं। तो क्या रहता है, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, कातिक में क्या रहता है? ऐसे मतलब कुछ नहीं होता, जिसको जो दर्शन करना है अच्छा लगता है तो करते हैं। अच्छा ठीक है, जाइएगा। तो यह बारे में आपसे बता रहे हैं, ये चरखारी के लगभग लोकल के लोग हैं, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। अब मैं सबसे खास बताता हूँ कि यहाँ पर आज ग्यास का माहौल है। ग्यास में हमारे बुंदेलखंड में गन्ना पूजा जाता है। यहाँ देखेंगे कि गन्ना के जगह जगह स्टॉल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी लंबाई आपकी गन्ने की बढ़िया है। और हाँ। ये कितने का जोड़ा जैसे ले जाएंगे तो कितने इसका आपको? ये 15 का मिलेगा। ये 15 की क्या? 30 का जोड़ा। हाँ 30 का जोड़ा। 30 का जोड़ा है। और अभी सुबह ही अपडेट आ रही थी बनारस से कि बनारस में तो 80 का जोड़ा पहुंच गया। बहुत महंगाई गन्ने की हो गई है। इसमें क्या है थोड़ा दिखाएं? इसमें जवान को क्या करना पड़ेगा? देने हैं। अच्छा ये परकम्मा लगा के देंगे। तो कितने दिन कातिक नहाया जाता है, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को? महीना भर। महीना भर और 5 दिन और ब्याज को। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं समय मौजूद हूँ चरखारी में। चरखारी जो बहुत ही, किसी को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चरखारी अपने आप में अद्भुत है। बड़ी ही प्राचीन नगरी है, राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है। चरखारी के लिए कहा जाता है हिन्नी हिन्नी घोड़ा और चरखारी का मेला। बहुत लोगों का इंतज़ार रहता है मेले का। आज देव उठनी एकादशी है और आज के दिन से हिंदू धर्म में शुभ काम शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह की मुहूर्त निकलना, लोगों की मंगनी होना, और देखें माताएँ बहनें भी भारी संख्या में मेला देखने जा रही हैं। यहाँ पर चरखारी में गोवर्धन महाराज जी का मेला लगता है जो बहुत खास रहता है। कतक्यारी, अगर आप बुंदेलखंड से हैं तो कतक्यारियों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। कतक्यारी यहाँ मेले में बहुत आती हैं। और इधर से मैं थोड़ा कहूँगा कि दिखाएं, जहन दिखाएं, ये देखें बच्चियाँ आ रही हैं जो कातिक भी नहाती हैं। क्या नाम है, रुक जाइए। करिश्मा। कहाँ से हैं करिश्मा? लोहारी से। लोहारी से कातिक नहाती हैं? हाँ। नहाती हैं? नहाते हैं। तो क्या रहता है, जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, कातिक में क्या रहता है? ऐसे मतलब कुछ नहीं होता, जिसको जो दर्शन करना है अच्छा लगता है तो करते हैं। अच्छा ठीक है, जाइएगा। तो ये देखें गांव-गांव से, चरखारी के क्षेत्र से तो हर गांव से लगभग लोग यहां आएंगे। माताएं बहनें आएंगी, बिन्नू आएंगे, भैया आएंगे, लेकिन यहां दूर से भी लोग आते हैं। यहां राठ क्षेत्र से भी लोग आ जाएंगे, महोबा के उस तरफ से भी आ जाएंगे। इस तरफ जहन थोड़ा सा दिखाएंगे, भीड़ बहुत है। देखें मेला में जब पहुँचेंगे तो आपको जगह नहीं दिखाई देगी। अब ये मेला का बारे में आपसे बता रहे हैं, ये चरखारी के लगभग लोकल के लोग हैं, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। अब मैं सबसे खास बताता हूं कि यहां पर आज ग्यास का माहौल है। ग्यास में हमारे बुंदेलखंड में गन्ना पूजा जाता है। यहां देखेंगे कि गन्ना के जगह जगह स्टॉल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान ट्रॉली भर भर के गन्ना ले आए हैं और इनसे जानते हैं कि आज गन्ने का रेट क्या है और कितने का जोड़ा बिक रहा है और मेला कैसा जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? जी हमारा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी। हाँ जी नमस्कार। सुनील नमस्कार, कहाँ से है सुनील भाई? जी हम यहीं पड़ोस वाले गांव बमहोरी बेलदारन के हैं। बमहोरी बेलदारन से। हाँ जी। सुनील कितने में गन्ना लगाए हैं? जी सब अपना ही खेत है तो लगा लेते हैं। एक आधे एकड़ में लगा है? हाँ एक ही एकड़ में लगा हुआ है। हाँ कोई 5 का जोड़ा, कहीं 10 का जोड़ा, 15 का जोड़ा। रेट बता रहे हैं जैसे ये है सुनील, काफी लंबाई आपकी गन्ने की बढ़िया है। और ये कितने का जोड़ा जैसे ले जाएंगे तो कितने इसका आपको? ये 15 का मिलेगा। ये 15 की क्या? 30 का जोड़ा। हाँ 30 का जोड़ा। 30 का जोड़ा है। और अभी सुबह ही अपडेट आ रही थी बनारस से कि बनारस में तो 80 का जोड़ा पहुंच गया। बहुत महंगाई गन्ने की हो गई है। तो राठ क्षेत्र से भी गन्ना बिकने आया है, जबकि ये भाई सुनील यहीं से हैं, लोकल बेलदारन बमहोरी से। और सारे स्टॉल लगे हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। लोग बाग देखते हुए रुक गए हैं, थोड़ा सा और उस तरफ जाते हैं। और आप भी मेला देखने आए हैं? जी। नाम क्या है आपका? महेश। महेश कहाँ से है महेश जी? कनेरा। कनेरा अच्छा लगता है? हाँ। क्या रहता है मेले में खास? हैं? हाँ चरखारी के मेले में खास क्या रहता है? खास हाँ गोवर्धन जी के दर्शन। हाँ है क्या? चाचा नहीं बोल पाए लेकिन अम्मा बोलेंगी। हाँ आप नहाती हैं? कातिक नहा रही हैं। हाँ। कितनी कतक्यारी हो जाती होंगी? तो बहुत सारी। हाथ में लोटा है, रुक जाए थोड़ा आपसे भी बात कर ले। कौन से गांव से आई हैं? लोहारी। पूरा लोहारी का मेला है? और करीब आ जाओ थोड़ा सा, बहन वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और ये देखें लोहारी का मेला है, कतक्यारी, इसमें क्या है थोड़ा दिखाएं? इसमें जवानों को क्या करना पड़ेगा? देने हैं। अच्छा ये परकम्मा लगा के देंगे। तो कितने दिन कातिक नहाया जाता है, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को? महीना भर। महीना भर और 5 दिन और ब्याज को। 5 दिन ब्याज को? हाँ। अच्छा एक महीना नहाने। मोनिया तो हमने सुने थे कि लड़का जैसे मोन रहे थे, मोनिया हो गए। अब
मोनिया हो गए कृष्ण भगवान को जैसे मान लिया, और जी का कतकियारी को है राधाएं का, राधा है जी कतकियारी। तो कतकियारी में सबसे का एक गांठ का थोड़ा बताएं, ये गांठ आप जो बांधे हैं इसका क्या रहता है? ये गांठ जम जाती है, हमने सुना है, क्या हो जाता है? भैया नहीं जमा, हाँ ऐसे नहीं, जिसकी रात कैसे ऐसे गलती हो जाए तो जम जाती है, तो वो गिना नहीं जाएगा फिर क्या? आई नहीं गिना भी जाता, वो भी पुण्य की होती है, वो भी पुण्य की होती है। अरे जैसे किसी की जम भी जाती तो वो भी पुण्य की होती है, जम भी जाती है किसी की, क्या झूठ? थोड़ा सा आप बात आगे बढ़े, कोई मुझे एक गाना सुना दे कार्तिक का, क्योंकि यहाँ आप लोग हैं वो गाना नहीं सुनेंगे तो कैसा लगेगा? कोई एक है कृष्ण भगवान जी का हो जाए। हाँ, ऐसी चंचले गोजरिया छेड़ी ना छेड़े, सोच लीजिए मोले लटक रहे पीतांबर के छोर, कानन कुंडल मोरे ठाकुर जी का सो है, गूंजन बीच मोले लटक रहे पीतांबर। धन्य हमारा बुंदेलखंड, और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारा जन्म ऐसे बुंदेलखंड में हुआ जहां हर त्यौहार छोटी सी भी घटना बड़ी खुशियों से मिलजुल के मनाते हैं। ये थी कतकियारी जो गोवर्धन का परिक्रमा लगाने जा रही हैं। आप देख रहे थे जनता का राज। अगर आप भी बुंदेलखंड से हैं और बाहर से हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा, अगर आप प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कितना याद आती है आपको अपने बुंदेलखंड की। धन्यवाद।